Hi, Shreyas here from Bonar. And recently I've been doing videos on Oxygen OS 11 for the OnePlus 7T. मैंने आपको उसे इंस्टॉल कैसे करते बताया, उसका फीचर्स बताया, उसके बग्स बताए, उसको डाउनग्रेड कैसे करते बताए, सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सब कवर करने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जिसमें लोग बहुत सारे बग्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसे सॉल्व कैसे करना, उसके टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। सो टुडे आई विल बी एड्रेसिंग दोस बग्स एंड विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट टुगेदर। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो जो पहला बग है वो है वाईफाई डिस्कनेक्शंस का। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बग आ रहा है। सो हम इसे दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो है वो है वाईफाई प्रेफरेंसेस में आप इंटेलिजेंसी मोड जो है वो आप डिसेबल कर सकते हो। इससे क्या होता है, अगर आप कोई भी वाईफाई से कनेक्टेड हो और उसको अगर बेटर वाईफाई मिलता है तो आपको डिस्कनेक्ट करके वो उसको कनेक्ट कर लेगा, और उसके बाद अगर वो वाईफाई वापस चला गया तो आपको वापस कनेक्ट नहीं कर पाएगा वो। सो मीनवाइल जब तक OnePlus ने अपडेट नहीं लाता आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए थोड़े हद तक। और दूसरी जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो है रीसेट कर सकते हैं आप वाईफाई के नेटवर्क सेटिंग्स। तो आपको रीसेट में जाना है और आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूथ करना है। इससे क्या होगा, जो भी वाईफाई का आपका सेटिंग होगा, जो भी सेटिंग्स होंगे वो रीसेट हो जाएंगे पूरे, और बट इससे आपके जो पासवर्ड्स आपने जो भी सेव किए होंगे वो सब डिलीट भी हो जाएंगे। तो आप ये दो चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आपको कुछ हद तक वाईफाई डिस्कनेक्शन इश्यूज नहीं होंगे। आई होप दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज द गैलरी। बहुत कम लोग हैं जो इस फेस कर रहे हैं, बट है कुछ लोग। इसमें क्या हो रहा है कि गैलरी आप जब भी खोल रहे हो न्यू गैलरी तो उसको लोडने को टाइम लग रहा है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, पहले तो आप सबसे पहले इसको पूरा लोड होने दीजिए। इसको टाइम लग सकता है बट लोड होने दीजिए। अगर एक बार पूरा लोड हो गया तो नेक्स्ट टाइम से शायद ये वापस प्रॉब्लम ना दे, पर फिर भी अगर दे रहा है ये प्रॉब्लम, आप गैलरी का कैश क्लियर कर सकते हो। टू क्लियर द कैश ऑफ द गैलरी आपको बस गैलरी के ऐप इन्फो में जाना है, स्टोरेज में जाना है और कैश क्लियर करना है। इससे क्या होगा, जो भी रेसिडुअल फाइल्स होगी, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं इसमें, वो क्लियर हो जाएंगे। ये ट्राई कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका गैलरी नहीं वर्क कर रहा है ठीक से तो आप गूगल फोटोज यूज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हर OnePlus फोन में होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मीनवाइल जब तक कुछ नया अपग्रेड नहीं आता। सम ऑफ द यूजर्स आर फेसिंग एम्बिएंट लाइट इश्यूज एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इश्यूज। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अब तक OnePlus 70 में नहीं आया है। रीजन बीइंग द बैटरी, अगर वो डाल देते हैं OnePlus तो बैटरी और ज़्यादा ड्रेन होगी। पहले से बहुत हो रही है पर अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें रहा तो और ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगी। तो इस अपडेट में तो ये नहीं है बट नेक्स्ट अपडेट में आ सकता है, तो वो आप मत सोचिए अभी उसके बारे में। एम्बिएंट डिस्प्ले के लिए मैं आपको बता दूं आपको क्या कर सकते हैं। जिसको एम्बिएंट डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, पहले आप डिस्प्ले में जाके देखिए कि एम्बिएंट डिस्प्ले टर्नड ऑन है कि नहीं। डिस्प्ले में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले दिखाई देगा, ये टर्नड ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन होगा फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार ये टर्न ऑफ कर लीजिए और वापस ऑन कर लीजिए, रिफ्रेश होने से शायद वो आपको दिखाई दे वापस। और कुछ लोगों का कैनवस भी नहीं चल रहा है, सो इसके लिए आप क्या कर सकते, आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड कैनवस जो ऐप है OnePlus का वो आप देखिए वो अपडेटेड है कि नहीं। अगर अपडेटेड नहीं होगा तो उसको आप अपडेट कर लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो रिसेंटली जिनको अपडेट आया उनको डिस्प्ले वॉश ऑफ हुआ है ऐसा लग रहा है, अच्छे कलर्स नहीं आ रहे उसमें। सो उसके लिए आप डिस्प्ले में जा सकते हो एंड इसमें सेटिंग्स है जो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। आप एडवांस में जाइए स्क्रीन कैलिब्रेशन में, आप आपके हिसाब से इसमें सेटिंग चेंज कर सकते हो। इसमें आपको विविड नेचुरल और एडवांस मिलेगा, तो आप एडवांस करके आपके हिसाब से आपको जैसे कलर्स चाहिए वो आप चूज कर सकते हो इसमें, एक बार आप वो चेक कर लीजिए। ऑल्सो सम पीपल आर फेसिंग द रिफ्रेश रेट इशू, तो आप 60 हर्ट्ज में जाके वापस 90 हर्ट्ज में जाओगे तो ये इशू सॉल्व हो रहा है टेम्पररी, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। एंड द सेकेंड वन इज वाइब्रेंट कलर इफेक्ट, इसमें आप टर्न ऑन कर लीजिए, उससे भी आपको कुछ हद तक डिफरेंस दिखाई देगा। फॉर द पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज द फेस अनलॉक एंड द फिंगरप्रिंट लॉक, द बेस्ट वे टू यूज इट इज टू रिमूव योर फिंगरप्रिंट एंड द फेस अनलॉक। पहले आपको बस फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक आपका रिमूव करना है और वापस ऐड कर दीजिए, ये चलने लगेगा, इसको आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अनलॉक करते हो इसका एक और प्रॉब्लम है कि आपका जो अनलॉकिंग साउंड है वो नहीं आ रहा है ठीक से, वो कम कम होते जा रहा है। पहले तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था वो साउंड, बट धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। द ओनली वे टू सॉल्व इट इज क्लियरिंग द कैश। मैं आपको बाद में बताऊंगा कैश क्लियर कैसे करते हैं बैठे वीडियो के एंड तक, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसको जरूर। बट कैश क्लियर करने से ही आपका साउंड का प्रॉब्लम उसका ठीक होगा, तो आपको वो करना जरूरी है। एंड जस्ट आपको याद दिलाने के लिए, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं वेट करता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए।
आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज कैमरा। यस आई एग्री कि एंड्रॉयड 11 में वैसा कैमरा नहीं है जो एंड्रॉयड 10 में था। एंड्रॉयड 10 का कैमरा बहुत अच्छा था, उसके सारे मोड्स, पोर्ट्रेट हो गया, माइक्रो हो गया, नाइटस्केप हो गया, सारे मोड्स काम अच्छे से करते थे। बट एंड्रॉयड 11 में वो नहीं कर रहा है अच्छे से काम। कुछ प्रॉब्लम्स है, इमेज क्लियर नहीं है, बहुत ग्रेन आ रहा है इसमें इमेजेस में। सो वो सॉल्व करने का फिलहाल तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर आपको सॉल्यूशन पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको इमेजेस देखने होंगे, मैंने मेरे सेकंड चैनल पे मैक्रो फोटोग्राफी की है, तो अगर आपको फोटोज देखने तो आप मेरा वीडियो ऊपर कार्ड में देख सकते हो। मुझे यकीन है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, एक फनी वीडियो है वो। एज ऑफ नाउ क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको ठीक करने का, गूगल कैमरा यूज़ कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली गूगल कैमरा 7.3 यूज़ कर रहा हूँ मीनवाइल, जब तक कैमरा का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। द मेजर इशू इन इट इज द बैटरी। इसमें स्क्रीन ऑन टाइम बहुत कम हो गया, बैटरी चार्जिंग का टाइम ज़्यादा हो गया है, एंड वन प्लस हैव मेस्ड अप विद द बैटरी इन दिस एंड्रॉयड 11 अपडेट। बट द सॉल्यूशन फॉर इट इज क्लियरिंग द कैश। बहुत सारे यूजर्स को कैश क्लियर करने से बैटरी उनकी ठीक हो गई है कुछ टाइम के लिए, बट आपको कैश क्लियर करते रहनी पड़ेगी जब तक वन प्लस अच्छा अपडेट नहीं देता है। आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द बग्स और मोस्ट ऑफ द बग्स जो कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाई दिए हैं, जो मिले हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड इफ नन ऑफ द सॉल्यूशंस आर वर्किंग फॉर यू, द लास्ट ऑप्शन इज टू क्लियर द कैश। एंड इफ क्लियरिंग द कैश इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, यू कैन फैक्टर रीसेट द फोन, दैट्स द ओनली ऑप्शन। सो आई टेल यू हाउ टू क्लियर द कैश। सबसे पहले आपको एडवांस रिकवरी मोड में जाना है, जिसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करके वाइप कैश करना है, इसमें आपकी कैश क्लियर हो जाएगी और आपका फ़ोन कुछ हद तक ठीक चलेगा। एंड इफ नथिंग इज वर्किंग फॉर यू, नॉट इवन द सॉल्यूशंस, नॉट क्लियरिंग द कैश, नॉट इवन द फैक्ट्री रीसेट, यू कैन ऑलवेज डाउनग्रेड इट टू एंड्रॉयड 10। इट्स ऑफिशियल, इट्स नॉट अन ऑफिशियल रूट रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, आपका फ़ोन की वारंटी वॉइड नहीं होगी, सब ऑफिशियल है। तो आप डाउनग्रेड कर सकते हो आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 में, उसकी लिंक मैं ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कैसे करना है। सो इफ यू आर डाउनग्रेडिंग टू एंड्रॉयड 10, आपका डेटा वाइप होगा जरूर। तो उसके लिए आपको पहले बैकअप लेना है। टू टेक द बैकअप यू कैन यूज वन प्लस स्विच और यू कैन ऑल्सो टेक द गूगल बैकअप। वन प्लस स्विच यूज करने के लिए आपको पहले वन प्लस स्विच में पूरा बैकअप लेना है, उसको पेन ड्राइव से निकालना है आपके फ़ोन में से बैकअप को, क्योंकि आपका इंटरनल पूरा डिलीट हो जाएगा। पेन ड्राइव में निकालिए या लैपटॉप में डालिए, कहीं भी रखिए। उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद आपको वापस वो पेन ड्राइव का डेटा आपके फ़ोन में वापस डालना है। कहाँ डालोगे? सेम जो उसका लोकेशन था इंटरनल में ओपी बैकअप करके, उसी में डालना है आपको वो पूरा का पूरा फोल्डर, उसमें पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको वन प्लस स्विच में से रिस्टोर करना है। वन प्लस स्विच में से नीचे आपको बैकअप एंड रिस्टोर में जाना है और रिस्टोर बैकअप। यहाँ आपको अगर आपने सही लोकेशन पे रखा होगा वो बैकअप को, आपको यहाँ पे बैकअप दिख जाएगा, वो आपको बस रिस्टोर करना है। आपका सारा डेटा वापस आ जाएगा एंड्रॉयड 10 में जो डाउनलोड करने के बाद। इसमें आपके एंड्रॉयड 11 सिस्टम सेटिंग्स और नोट्स नहीं आएंगे, बाकी सब डेटा आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप नोट्स अगर आप कर रहे हो तो आप गूगल कीप में वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि गूगल अकाउंट से वो ऑलवेज सिंक होता है, तो वो आप यूज़ कर लीजिए या आप गूगल बैकअप कर लीजिए और जो उसमें आपके नोट्स भी सेव हो जाएंगे। सो नाउ डाउनलोड करने के बाद आप एंड्रॉयड 10 में तो जाओगे, बट अभी क्योंकि एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है, तो डाउनलोड करने के बाद एंड्रॉयड 10.3.1 में आप जाओगे। लेटेस्ट वर्जन जो था एंड्रॉयड 10 का वो 10.3.8 था, बट आप 10.3.1 में जाओगे। उसके बाद आपको 8 का अपडेट नहीं आएगा, डायरेक्ट 11 का अपडेट आएगा एंड्रॉयड 11 का। तो आपको अगर 10.3.8 चाहिए तो आप वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हो। सेम लोकल अपग्रेड से आपको डाउनलोड करना है और आपके फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना है। आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर 10.3.8 पे आ जाएगा, उसके बाद आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट फिर से आ जाएगा उसमें। अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नेक्स्ट अपडेट तक वेट कर लीजिए। मैं उसका वीडियो आगे बनाऊंगा, जैसे वो आ जाएगा अपडेट, वो अपडेट आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। आई होप एंड्रॉयड 11 का नेक्स्ट अपडेट मोर स्टेबल और बेटर होगा अभी के अपडेट से। यू होप वन प्लस कुड डू इट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू, प्रेस द लाइक बटन। एंड इफ एनी ऑफ द सॉल्यूशंस वर हेल्पफुल टू यू और इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल मिस द फ्यूचर वीडियोस। आई विल सी यू अराउंड। लेट्स गो लर्न।